एक बार की बात है, एक आदमी गुब्बारे बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह गांव के आसपास लगने वाली बाजारों में जाता और गुब्बारे बेचता। बच्चों को लुभाने के लिए वह तरह तरह के गुब्बारे रखता, लाल, पीले, हरे, नीले। और जब कभी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है, वह झट से एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता, जिसे उड़ता देखकर बच्चे खुश हो जाते और गुब्बारे खरीदने के लिए पहुँच जाते। इसी तरह एक दिन वह बाजार में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे उड़ा रहा था। पास ही खड़ा एक छोटा बच्चा ये सब बड़ी जिज्ञासा के साथ देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफ़ेद गुब्बारा उड़ाया, वह तुरंत उसके पास पहुंचा और मासूमियत से बोला, अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने थोड़े अचरज के साथ उससे देखा और बोला, हाँ बिल्कुल जाएगा बेटे। गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह किस रंग का है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह हम इंसानों के लिए भी ये बात लागू होती है। कोई अपनी लाइफ में क्या अचीव करेगा, ये उसके बाहरी रंग रूप पर डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या है। अतः हमारा एटीट्यूड, हमारा एल्टीट्यूड डिसाइड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपना साथ बनाए रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।